यहाँ पे ना गिर गई, क्या हुआ? बच गई भाई साहब, गिर गई थी। अरे हवा चल रही थी तेज, तो मैं नीचे गिरने वाली, मैंने घास ये देखो सीधा नीचे चली जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं मम्मी के साथ घास लेने के लिए, तो सूखा घास लेने जा रहे हैं। तो देखते हैं मम्मी कहाँ लेके चल रही है। अभी गांव के बीचों बीच निकल रहे हैं। हमें ना चढ़ाई पे चढ़ते मेरी सांस फूलने लग जाती है। क्या हुआ है? ये बैठी हुई जेठानी जी और ना हमारे हमारे व्यूअर्स हैं कुमेर अभी क्या हूँ ना जेठूड़ी ना, हाँ उन्होंने मैसेज दिया था कि दीदी को बोलना कि मुझे फोन करना, तू तो फोन कर दे वो। जवाई है ना, हाँ दीदी के जवाई जी है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि उनको आप मैसेज पहुंचा देना जब आप गांव जाओगे। जवाई जी हम आएंगे दिल्ली, हरीश की लड़के की बड़ाई वो क्या कहते हैं उसके लिए मुंडन में नामकरण में, नामकरण में हाँ मेरे जवाई जी का नंबर होगा तो फोन कर देना, हरीश की लड़के की मुंडन में। हाँ तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं मुंडन तो में आएंगे, चाहे उसमें आएंगे नामकरण में बुलाएगा हरीश भाई को, नहीं बुलाएंगे तब आपसे आप हमारा मिलन हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोला था तो मैंने मैसेज पहुंचा दिया दीदी को। और वो देखो परुची हमारी बहुरानी सरमारी है वो देखो, दीदी कह रही है कि नीचे आ नीचे आ, सामने पे हमारे रिश्तेदार देखते हैं, घर वाले देखते हैं कि तब देखेंगे बहू को। तो चलो ये देखो गांव में भी कोई नहीं दिखेगा, सब लोग अपने अपने कामों में जा रखे हैं। चलो मम्मी ने कितनी रस्सियां निकाल के, एक दो दो है, एक और ले रहे हैं अभी दीदी से क्योंकि तीनों के लिए एक चाहिए। आर्यन तू कब जानी? अच्छा आर्यन दे लेते आर्यन, आर्यन रस्सी लेके आया मार ले। कटिंग देखो उसकी बिल्कुल हीरो की वाली कटिंग लग रही है। ये देखो भाई दूल्हे राजा भी पहुंच गए। नमस्ते, अब ऐसे नमस्ते नहीं चलेगा, अब पांव छूने पड़ेंगे भाभी के। पांव छूते थे हाँ यार। अरे मजाक करनी यार। नमस्ते नमस्ते, अब इसका नंबर थोड़ा लेट आएगा अभी पांव छूने का, लेट। ये दूल्हे राजा के सबसे छोटे वाले भाई है ना अंकित पवार। और ये देखो ये बीरू पवार को तो आपने बहुत बार देखा है, इसके नेक्स्ट ईयर शादी होगी। बेचारे काम करके ना उन्होंने बुरे हाल कर दिया इसके बेचारे, इतना खुद कर दिया इसने। हाँ बड़े भाई की शादी के लिए भी और अपनी शादी के लिए भी है ना। देखो बीरू ने कैसे घर चमका दिया। अच्छा अच्छी साल तक पता ही। अब कल हम इस घर में ना आएंगे, यहाँ कलयुग बनेगा और ये दूल्हे राजा की मम्मी जी सासू जी है, सासू जी बनने वाली है ना। बहुत खुश हो रखी है चाची को एडवांस में बधाई है ना। ये देखो सामान आ रखी चाची, अभी पे जाना कोल्ड ड्रिंक गेम बोल ध्यान दे। बधाई जानी तब वो सास बनने। देखो चाची मुझे कह रही दूध देगी बधाई की, सामान आ गया शादी का है ना। देखो चाची कह रही माजा पिएगी, कोल्ड ड्रिंक पिएगी या फैंटा पिएगी, तो मतलब अलग अलग ब्रांड है कौन सी पीनी है तुमको, कल पिएंगे है ना। तो कल यहाँ पे कलयुग बनेगा और सारा सामान आ रखा भट्टी वट्टी है ना, बाकी तो कल ही आएंगे। ये देखो जरा एक हीरो यहाँ बैठ रखा हमारे गाँव का। अरे घास ले आते फिर हम दूर नाचेंगे गाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ से ऊपर जाना हमने घास लेने के लिए, और मम्मी जी सबसे आगे आगे।
बॉन्ड बैठे ना रखा है। अच्छा ये चावल का कट्टा आ गया चाची के लिए, चाची के भाई ने दे रखा। शादी में ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ दोन आता है 50-50 किलो 100 किलो तो चावल आ गए। शादी की चावल की छुट्टी है ना, तो आगे के लिए छुट्टी है ना। दे चाची इतनी खुश हो रही है ना, मेरे भाई दोनों भाइयों ने 100 किलो चावल दे दिया वाले मेरे बेटे की शादी में। सुनू कभी आने, अच्छा चलो सुन्नू से भी मिलेंगे अब है ना। और अब हम क्या भांजू ना, हाँ छोटा सा भांजा भी आ रहा हमारा। अब भी धीरू कब नहीं आने, धीरू कब नहीं आने। अच्छा चलो आओ देखो, भयंकर हवा चलने लगे इस टाइम पे। और वहाँ सामने से ऐसा लग रहा है बस बारिश आती है, पर देखते हैं आती नहीं आती क्योंकि रोज ही ऐसा मौसम हो रहा है। हैं ऐसा नहीं, देखो चाची भी भविष्यवाणी करे कि आ जाएगी बारिश, अब देखेंगे आती कि नहीं आती। नहीं और बादल तो वैसे लगे हुए हैं। चलो चाची ने बोल दिया तो देखते हैं पक्का आते कि नहीं आते। और ना मम्मी जी ना आगे आगे चली गई हैं, इस रास्ते दिख भी नहीं रही है मम्मी जी, और हम लोग यहाँ पीछे पीछे आराम से आ रहे हैं। आराम से क्या, मेरी तो सांसें फूल रही है चढ़ाई पे, तो भयंकर वाली सांस फूल रही है मेरी। पहले भी फूलती थी, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इस टाइम पे ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है सांस फूल रही है। यहाँ पे क्या होता था अनुसार, पहले यहाँ पे होता था, उसके बाद वहाँ पे आगे तो यहाँ पे पता क्या होता था, जो दरांती व्रांती है, दरांती होती मतलब उनकी उनपे धार लगाई जाती थी। हाँ गाँव में बारी आती थी एक दिन ना, तो यहाँ पे पूरा दिन भर जिसकी हो रहती थी, दिन भर वो चरखा चलाना पड़ता था। हाँ हमें बहुत चला रखा हमने, सीधा जाना है कि ऊपर मम्मी ना बहुत तेज तेज चल रही सबसे आगे। हम वीडियो बना रहे हैं ना, तो हम पीछे पीछे मम्मी आ गए, और देखें यहाँ से हमारा गांव दिख रहा है, गांव थोड़े थोड़े घर दिख रहे हैं यहाँ से, बस हमारा घर नहीं दिख रहा ना मैं है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा हमारा घर यहाँ बीच में से हल्का हल्का, बहुत छोटा सा गांव है दोस्तों हमारा, ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं है। अब यहाँ से भी और आगे जाना है ना, बहुत ही डेंजरस वो रास्ता है, डेंजरस खतरनाक। यहाँ से कैसे लेके आएंगे घास, यहाँ से नीचे गिर गया ना कोई तो सीधा नीचे चला जाएगा। जोर बोलते हैं सुबह डवाली में, जहाँ पे ज्यादा झाड़ी झाड़ी होती है हमारे गढ़वाली भाषा में जोर बोलते हैं। मौसम ने ले लिया अंगड़ाई देखते हैं, और इसलिए मम्मी ना ये वाला सूखा जो घास है ना ये है यहाँ पे, तो ये बस तीनों के लिए एक एक बारी में ही होगा हमारे पास, तो इसे लेने के लिए आए हम यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा रास्ता थोड़ा सा और ख़राब है, तो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से और सीधा इस वाले खेत में फेंकेंगे, तो हम यहाँ लगाएंगे। हाँ देखते हैं यहाँ तक फेंक पाते नहीं फेंक पाते, पेड़ में फंस गए वहाँ। हाँ ऐसे ठीक है। तो इतना घास इन्होंने फेंक दिया, हम फटाफट लगाते हैं, मैं मम्मी जी के पास पकड़ाऊंगी, मम्मी लगाएंगी, क्योंकि बारिश ना कभी भी आ सकती है ना, पता चल रहा बारिश आ गई भीग गए हम यहाँ। जल्दी तो नहीं आई
अभी बस तीनों के लिए ना एक एक बारी का होगा हमारे पास, तो एक ही लगा दिया हमने। और इसे बोलते हैं हमारे बिट्टू बोलते हैं, एक टाइम के भारे के लिए बिट्टू, और ये दूसरा दो बिट्टू और एक और लगाएंगे तीन, तो तीनों एक एक बार में ले जाएंगे। लेकिन पता क्या होगा, गड़बड़ हो गई है, अब हवा बहुत ज़्यादा तेज चलने लग गई है और घास ना ऐसे मतलब टेढ़ा टेढ़ा होता है, चल नहीं पाएंगे हम, इतनी भयंकर हो रही है हवा और बादल ऐसे छा गए ना बिल्कुल, तो आज मज़ा ही आने वाला है बारिश का। वो देखो भयंकर हवा चल रही है, टाई खींचने से ढीला नहीं होना चाहिए ये। तो ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये वाला है और ये सबसे छोटा है। मम्मी कह रही ये मैं ले जाऊंगी, तो सबसे छोटा ले जाना, तेरी बस की नहीं है। तीनों के लिए लग गया है फटाफट से, और अब हम चलते हैं और सीधा घर पे मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि रास्ते का नहीं शूट कर पाएंगे तीनों के पास, क्योंकि घास है और हवा भी बहुत ज्यादा तेज चल रही है, तो सीधा घर पे ही जाके मिलेंगे। देखो बाघ कर रहा है ना, जैसे बाघ की आवाज आती है ना दहाड़ने की, वैसी आवाज आ रही है, पर ना तो मेरे पे मम्मी यकीन कर रही है और ना ही ये यकीन कर रहे, कह रहे कि मतलब तुझे ना अपने आप से ही आवाज आ रही है ऐसे। मैं कह रही हूँ मुझे बहुत बार सुनाई दे रही है कि बाघ दहाड़ रहा है ऐसे, मेरे पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। भैंस कोई बाघ की तरह करता है, बाघ लगे कोई भैंस बैल बूल कर रहा है वो। हाँ देखो मम्मी भी यकीन नहीं कर रही, मम्मी भी कह रही है कि मतलब कोई जानवर है, मतलब भैंस है या फिर बैल है। चलो कोई नहीं, हम निकलते हैं बस। चलो मजा आ रहा, तो हम लोगों ने घास उठा लिया है और अपना हवा इतनी तेज चल रही है, तो जैसे हवा चल रही है तो घास भी ना मतलब दूसरी साइड को मतलब वो हो रहा है क्या, जो दूसरी तरफ को पड़ रहा है। अब देखते हैं कैसे चलते हैं। चलो चलो तुम यहाँ पे ना बहुत खतरनाक वाला रास्ता है, आराम से चलना। एक तो हवा चल रही ना बहुत तेज, पकड़ के ना घास को उसके साथ नीचे में चले जाना। चलो 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 आराम से आराम से, रुक जा चल 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 रुक जा भाई, बहुत तेज हवा आ रही। अरे चल चल नीचे मत गिरना यार, चल 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 वहाँ। ओ नीचे झुक जा, नीचे झुक जा, वहाँ पेड़ है ऊपर। मैं तो घास ही परेशान हो गया, अबे बार बार ऊपर लग रहा मेरा वाला तो। हाँ यहाँ पे ना गिर गई, क्या हुआ बच गई भाई साहब, गिर गई थी। अरे हवा चल रही थी तेज, तो मैं नीचे गिरने वाली, मैंने घास ये देखो सीधा नीचे चली जाती है गधेरे में। अरे हवा भी तो ऐसा आ रही है कि मतलब उधर को हवा जा रही, इंसान भी उधर को ही जा रहा। चल ले फिर, मैंने घास गिरा दिया ना, अब ये ले जाएंगे। जैसे ही घास नीचे गिरा ना, मम्मी को लगा मैं नीचे गिर गई, मम्मी ने जोर से चिल्लाई ना, ये नीचे गिर गई। चलो क्या हुआ, ये मुझे पहचान नहीं रहा, मुझे देख के उछल रहा है। ओहो घास का भंडार हो गया हमारे यहाँ। घास पूरा गर्दन में घुस गया यार, वैसे तो घास काफी ज्यादा था यहाँ पे, लेकिन क्या ना मानसून स्टार्ट होने वाला है, तो पता नहीं कितने दिन तक कैसी बारिश होती है, इसलिए ना मम्मी ने बोला कि और घास रख देते, फिर गाँव में शादी भी है तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मतलब शादी एंजॉय करो, फिर घास की टेंशन नहीं रहेगी, है ना। ये देखो ऐसे क्या कर रहे, घास पड़ गई पूरी, उड़ जाती अगर हमारे साथ जाती है। कुछ जिद कर रही थी कि मैं भी जाऊंगी, तो हमने कहा घर में रह, वहां ना बहुत तेज हवा चल रही थी, अक्कू हम उड़ गए थे वहां। हाँ सच में उड़ गए थे हम, खोलते हैं और फिर इसे यहाँ सेट करते फटाफट। ओहो
अब बस बारिश का इंतजार है ना। सारे बोलो, क्या बोलो? हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे है? मम्मी का। अभी मम्मी ने थोड़ा थोड़ा घास डाल दिया सिम्बा के भी और भैंस को भी। तो अभी हम पूरा घास सेट कर रहे हैं, तो लगभग कर ही दिया हमने, थोड़ा सा रह गया और मम्मी वहाँ चढ़ गए, तो अच्छे से मतलब सेट कर रही है घास को। बारिश की बूंदे पड़ने लग गई भाई, पड़ भी रही थी, अब देखते हैं आती नहीं आती। आपको वहाँ कहाँ चढ़ गया, गिर जाएगी नीचे? वो सांप था यार, मैंने देखा था वहाँ सांप था परसों। हाँ सच में था वहाँ सांप। मम्मी इस घास को ना बेच भी सकती है अगर कोई ग्राहक आ गया तो, है ना? कोई ग्राहक है तो फिर आइए हमारे घर, और हमारे ये जगह खाली करे ताकि हम इसके नीचे खाना बना सके। तो ऐसे ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमें कि आपने यहाँ घास क्यों रख रखा है, दूसरी जगह रखो, जगह ही नहीं है वाला घर है ना, इसमें रख सकते हैं, तो वहाँ तो नहीं रख सकते। ये साझा है हमारा, क्योंकि अकेला हमारा। अब पड़ रही भाई बूंदे देख, हमारे पास घास रखने का स्पेस हो गई। आ गई, आ गई, जल्दी रख, जल्दी रख। यही जगह हमारे पास, इसलिए ठंडी लग गई भाई। अरे आपको गिर में चाहिए? क्या हुआ? ठंडी लग गई, बारिश आ गई ना। तो अभी दोस्तों हम आ गए हैं ऊपर वाले रूम में खाना खा के, और जब ना हम घास लेके आए थे फिर घास सेट करा और उसके बाद ना बूंदा पानी होने लगा और थी भयंकर बारिश तब से, और अभी लगभग बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं बाहर, अभी तक बारिश हो रही है, बहुत ही तेज भयंकर वाली बारिश हो रही है। तो मतलब और आज ना फैन भी बिल्कुल बंद है और इतना ठंडा लग रहा है सच में। तो ये होता है पहाड़ों का मौसम, और पहाड़ों के मजे ये होते हैं कि अगर जरा से भी बारिश आ जाए ना उसके बाद ना बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो अभी मैं बाहर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ भयंकर बारिश हो रही है, ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है, और लाइट भी चली गई थी, अभी तो लाइट भी आ गई, अब जैसी हवा चलेगी ना फिर लाइट भी चली जाएगी। ये देखो इतनी भयंकर बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा हो गया मौसम बिल्कुल। और अब जो है ना ऐसी बारिश बोल रहे हैं कि मतलब जो ये बारिश तो लगभग इसे 3-4 घंटे हो गए अब तक, तो ये लगी है बंद नहीं हो रही है, तो ये बारिश ना पता नहीं कितने दिन तक होगी, मतलब कुछ कह नहीं सकते। तो मानसून आ गया है, तो ये अब मैंने आपको दिखा दिया बाहर बारिश वाला मौसम, बहुत भयंकर से ठंडा हो गया है। और अभी क्या करते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभरात्रि।